हालेलुया। बस ये बहन कहते हैं कि जब इनकी इनकी कहते हैं डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद इनका यूट्रस एक जगह से हिलकर दूसरी जगह चला गया और लगातार कहते हैं ब्लीडिंग होने लगी, और जब ब्लीडिंग होने लगी तो एकदम से ये बेसुध हो गए थे, कोमा में चले गए, हार्ट बीट कहते लो हो गई पूरी तरह से और सांस खिंच खिंच कर ले रहे थे। डॉक्टर नर्सेस एकदम से कहते डर गए कि ये क्या हुआ, नॉर्मली डिलीवरी तो हुई अभी, लेकिन कहते उन्होंने फटाफट से जवाब दे दिया हम कुछ नहीं कर सकते, इसे बेटर हॉस्पिटल लेकर जाओ। सेकंड हॉस्पिटल में लेकर गए, वेंटिलेटर पर रखा, कंडीशन कहते और क्रिटिकल होती जा रही थी, ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, उन्होंने भी जवाब दे दिया। उसके बाद कहते फिर थर्ड हॉस्पिटल में लेकर गए, उन्होंने भी लिखा लिया था, सारा परिवार रो रहा था, उन्होंने जवाब दे दिया था टोटली। लेकिन कहते ये हस्बैंड जो है इनके, ये चर्च के साथ जुड़े हैं, इनके पास ऑयल था जो आपने प्रेयर किया गया ऑयल, कहते जैसे ही बहन के ऊपर लगाया तभी इस बहन को होश आया और पूरी तरह से उसी समय कोमा से बाहर आई और ब्लीडिंग स्टॉप हुई और आज आपके सामने अपनी गवाही लेकर आई है। ओ जीसस, हालेलुया। सामने है अब दी शिफाए यीशु का। सुनो, खुदावंद ने काम किया, तुम्हें एक निशानी दी है, हाँ जी। ओके, लाइफ की, लेकिन आगे भी तुम्हें फॉलो करना है क्योंकि अभी तुम प्रभु में पूरी तरह से नहीं हो। पहले ये अभी विश्वास करने लगे, अभी सुनो, क्योंकि अभी भी कनेक्शन जो है ना अभी खत्म नहीं हुआ है आपका। ओके, शैतान ने अभी कनेक्शन खत्म नहीं किया आपके साथ, ठीक है। ओके, आपका जो माइंड है ये अभी भी कनेक्टेड है और इसमें अभी भी इनके माइंड में अभी भी वो हैप्पीनेस नहीं है। ओके, अभी भी हाँ, वो तभी आएगी जब ये खुद यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और खुद परमेश्वर में चले। अगर वाइफ क्रिश्चियन है, आपको अपने हस्बैंड से लव करना है, प्यार करना है, अधीन रहना है। ओके, तारीफ करो जोर से। तो दोस्तों, आपने इस बहन की गवाही की वीडियो को देखा, आप जान चुके होंगे कि इस बहन को कैसे चंगाई मिली अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करने पर। क्योंकि दोस्तों, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं फिर आप परमेश्वर पर ही सब कुछ छोड़ दो, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा और ना ही आपको बीमारी में रहने देगा। तो दोस्तों, इस गवाही के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि उनका विश्वास भी परमेश्वर पर बढ़ सके। और अगर आप चाहो तो अपनी टेस्टिमनी भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कमेंट करके।